हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक हमारे चैनल मूवी कास्ट में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम कौन सी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन क्राइम थ्रिलर मूवी द इक्वलाइजर 3 के बारे में। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, इस वीडियो में मैं आप सभी को द इक्वलाइजर 3 मूवी की फुल अपडेट के साथ बताने वाला हूँ। रिलीज डेट, फोरकास्ट, एक्टर और प्रोड्यूसर के अलावा बहुत कुछ इन्फो भी। तो गाइस, इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात की जाती है ऑफिशियल रिलीज डेट के बारे में। गाइस, इक्वलाइजर 3 मूवी को दुनिया भर के सिनेमा में 30 अगस्त 2023 को ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। तो अगर गाइस साथ में बात की जाए मूवी के डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर के बारे में भी, तो इसे सबसे पहले ऑफिशियली डायरेक्ट किया है अमेरिकन फेमस डायरेक्टर एंटोन फ्यूका ने। और जबकि द इक्वलाइजर 3 मूवी के सभी डायलॉग और स्टोरी लाइन को ऑफिशियली राइट किया है रिचर्ड वेन की तरफ से, और जबकि प्रोड्यूस किया गया है डोट ब्लैक ने। और एंड में गाइस, अब बात की जाती है द इक्वलाइजर 3 मूवी की फुल स्टार कास्ट के बारे में। और स्टार कास्ट में सबसे पहले आते हैं मूवी के मेन हीरो डेंजल वाशिंगटन। जैसे कि आप जानते हैं, डेंजल हमें आज इस मूवी में मेन हीरो रॉबर्ट मैकॉल के रोल में नजर आने वाले हैं। गाइस, डेंजल वाशिंगटन एक अमेरिकन फेमस एक्टर और प्रोड्यूसर है, और जबकि इन्हें पहली बार अपने फर्स्ट डेब्यूट में 1975 में देखा गया था। डकोटा फैनिंग, जो कि ये हमें एज ए मूवी की मेन हीरोइन एमा कोलिन के कैरेक्टर में नजर आने वाली है। गाइस, डकोटा फैनिंग भी अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस और मॉडल है, और जबकि इस वक्त इनकी एज 29 बताई जाती है। यूजीनियो मस्टैंडिया, जो कि एक इटालियन फेमस एक्टर है, और जबकि ये हमें एज इस मूवी में जियो बोनिची के रोल में नजर आने वाली है। डेविड डेमन, डेविड हमें फ्रैंक कॉनरॉय के रोल करते नजर आने वाले हैं। सोनिया बेनामार, टूनिशियन फेमस एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर। सोनिया बेनामार हमें आज इस मूवी में कियारा बोनोची के रोल में नजर आने वाली है। रिमो जुरोन, जो कि ये हमें एंजो अरिसो के रोल में नजर आने वाली है। गायस कोडुलेरो, जो कि ये भी इटालियन फेमस एक्ट्रेस और मॉडल है, और जबकि ये भी हमें आज इस मूवी में मेन हीरोइन अमीना के रोल में नजर आने वाली है। एंड्रियास कार्डाजियो, एंड्रिया डोडेरो, जो कि ये हमें मार्को कोरेंटा के रोल में नजर आने वाली है। और एंड में स्टार कास्ट में आते हैं सेल्विटोर रुओको। तो गाइस, अगर आप सभी मूवीज और ड्रामा सीरियल में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल मूवी कास्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि गाइस मैं सिर्फ न्यू मूवीज और ड्रामा सीरियल की अपडेट्स पर ही वीडियो बनाता रहता हूँ।